कि वो इस चैप्टर में सिंड्रेला वाले में जो राजकुमार है वो सिंड्रेला के ग्लास स्लीपर लेकर अपने राज्य के हर एक घर में जाता है सिंड्रेला को ढूंढने के लिए। अपने राज्य के हर एक एक घर में जाकर वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। आगे देखो, ऑल द यंग लेडीज, ऑल सारी यंग लेडीज, जवान लड़कियां इंक्लूडिंग शामिल करते हुए सिंड्रेलास स्टेप सिस्टर्स, सारी जवान लड़कियां उनमें सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी थी, ट्राइड, उन्होंने कोशिश की द ग्लास स्लीपर पहनने की। वो जो प्रिंस लेकर आए थे ना काम ढूंढने के लिए, वो ग्लास स्लीपर पहनने की सबने कोशिश की, सिंड्रेला की बहनों ने भी कोशिश की, बट लेकिन इट डिड नॉट फिट, ये फिट नहीं हुई, ये अच्छे से नहीं आई एनीवन, किसी को भी, ये किसी भी इंसान की फिट नहीं हुई। फाइनली अंत में सिंड्रेला ट्राइड, अंत में सिंड्रेला ने कोशिश की द ग्लास स्लीपर को पहनने की। लास्ट में सिंड्रेला ने कोशिश की स्लीपर पहनने की एंड और इट फिट, ये फिट हो गई परफेक्टली, अच्छे से, ये सिंड्रेला को अच्छे से फिट हो गई क्योंकि वो उसी की तो थी स्लीपर, इसलिए उसको फिट हो गई। द प्रिंस रियलाइज्ड, राजकुमार ने रियलाइज्ड महसूस किया दैट सिंड्रेला, कि सिंड्रेला वाज द सेम गर्ल, कि सिंड्रेला ही वो लड़की है। राजकुमार ने महसूस किया कि सिंड्रेला ही वो लड़की है, वो है डांस, जिसने डांस किया था एट द बॉल समारोह में। राजकुमार उसको पहचान जाता है कि सिंड्रेला ही वो लड़की है जिसने समारोह में उसके साथ डांस किया था। क्या था ना उसने डांस, वो रात के मिडनाइट, रात तक उसने डांस किया था। जस्ट देन इसके बाद द फेरी गॉड मदर, फेरी परी गॉड मदर माँ, परिमा एपियर दिखाई थी। इसके बाद उसके सामने परिमा आ गई एंड और से और कहा, परिमा ने क्या कहा, टेक दिस यंग गर्ल, देख लेना मान लेना दिस यंग गर्ल, इस जवान लड़की को एज योर वाइफ, अपनी पत्नी। प्रिंस राजकुमार, परिमा ने राजकुमार से कहा कि ये जो जवान लड़की है उसको अपनी वाइफ मान लो, वाइफ अपनी पत्नी मान लो। सी इज ए गुड पर्सन, वो एक अच्छी इंसान है। परिमा ने कहा राजकुमार से कि जो सिंड्रेला है उसको अपनी पत्नी मान लो, वो अच्छी लड़की है एंड और विल बी ए वंडरफुल वाइफ, और वो अच्छी वाइफ भी बनेगी, वंडरफुल अच्छी अच्छी वाइफ भी बनेगी। द प्रिंस मैरिड, राजकुमार ने मैरिड शादी कर ली, मैरिड मतलब शादी कर ली सिंड्रेला, सिंड्रेला से राजकुमार ने क्या किया, सिंड्रेला से शादी कर ली एंड दे लीव, और वो रहने लगे, वे लीव रहना, और वो रहने लगे हैप्पीली, खुशी खुशी एवर आफ्टर। इसके बाद शादी भी कर ली और उसके बाद वो क्या है, सिंड्रेला और प्रिंस दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, वहाँ तक उन्होंने शादी कर ली थी वहाँ तक। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल भरना है द ब्लैंक्स, खाली जगह को। ये देखो सेंटेंस दे रखा है, इसमें बीच बीच में खाली जगह दे रखी है ना, ब्लैंक दे रखे हैं, उनको फिल करना है, उनमें भरना है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर वन, सिंड्रेला लिव्ड, सिंड्रेला रहती थी विद साथ में हर उसकी एंड और टू स्टेप सिस्टर्स दो सौतेली बहनों के साथ। इसमें हमें बताना है कि सिंड्रेला किसके साथ रहती थी, एक तो दो सौतेली बहनें थी और कौन था उसके घर में, स्टेप मदर। अब देखो इसका क्या बना, सिंड्रेला लिव्ड, सिंड्रेला रहती थी विथ हर स्टेप मदर, अपनी सौतेली माँ के साथ में एंड और टू स्टेप सिस्टर्स दो सौतेली बहनों के साथ में। ऐसे ये लाइन हमने क्या करी, कंप्लीट कर दी, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, सिंड्रेला ग्रू अप, सिंड्रेला ग्रू अप, बड़ी हो रही थी टू बी, बनकर एक गर्ल, एक लड़की, सिंड्रेला एक लड़की बनकर बड़ी हो रही थी। तो सिंड्रेला कैसे टाइप की लड़की थी, दयालु थी ना, वो दया करती थी, तो इसको बोलेंगे काइंड।
मेरी स्टेप सिस्टर सौतेली मैंने लेफ्ट छोड़ गई थी, सॉरी लेफ्ट निकल गई थी, सौतेली मैंने निकल गई थी, चली गई थी फॉर द, कहाँ चली गई थी वो, लिविंग छोड़कर सिंड्रेला, सिंड्रेला को एट होम घर पर, उसकी सौतेली मैंने सिंड्रेला को घर पर छोड़कर कहाँ गई थी, उस समारोह में गई थी। तो इसको लिखेंगे बॉल, उधर बॉल समारोह में चली गई थी वो। आगे देखो सिंड्र, ये सॉरी सेंटेंस नंबर फोर, दैट कॉल्ड, बुलाया सिंड्रेला, सिंड्रेला को फ्रॉम द गार्डन, बगीचे से, बगीचे से सिंड्रेला को बुलाया, किसने बुलाया, पॉल, पॉल मतलब बुलाना, बगीचे से सिंड्रेला को किसने बुलाया, वो जब रो रही थी, चैप्टर में पढ़ा हमने कि सिंड्रेला रो रही थी तो परिमा आती है, परिमा ने उसको आवाज लगाई थी, तो बगीचे से किसने बुलाया, परिमा ने बुलाया। तो इसको लिखेंगे फेरी, फेरी गॉड मदर, इसको लिखेंगे फेरी गॉड मदर, परिमा ने बुलाया सिंड्रेला को कहाँ से, गार्डन से, गार्डन से उसने आवाज लगाई थी। नेक्स्ट फाइव सेंटेंस, द प्रिंस राजकुमार फाउंड, उसको मिला, राजकुमार को मिला सिंड्रेलास, सिंड्रेला की क्या चीज मिली, सिंड्रेलास मतलब सिंड्रेला की, सिंड्रेला की क्या चीज मिली राजकुमार को, ये हमने देखा कि सिंड्रेला की वो जो ग्लास वाली स्लीपर थी ना, उसकी स्लीपर छूट गई थी, वो मिली प्रिंस को। तो इसमें लिखेंगे ग्लास स्लीपर, ग्लास कांच की स्लीपर। प्रिंस फाउंड, राजकुमार को मिली सिंड्रेला, सिंड्रेला की ग्लास स्लीपर, कांच वाली स्लीपर मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर उत्तर देने हैं नीचे वाले क्वेश्चंस के, नीचे वाले क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, हाउ डिड सिंड्रेलास स्टेप मदर बिहेव विथ हर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, हाउ डिड, कैसा सिंड्रेलास स्टेप मदर, सिंड्रेला की सौतेली माँ बिहेव, व्यवहार करती थी, सिंड्रेला की सौतेली माँ कैसा व्यवहार करती थी विथ हर, उसके साथ में, इसमें पूछा है सिंड्रेला की जो सौतेली माँ थी वो उसके साथ में कैसा व्यवहार करती थी, कैसा बर्ताव करती थी। अब देखो हमने पढ़ा था ना कि वो उसे घर के काम करवाती थी, उस पर बिल्कुल दया नहीं करती थी, तो वो लिखा है सिंड्रेलास स्टेप मदर, किसकी बात हो रही है, सिंड्रेला की माँ की, सिंड्रेला की माँ वास क्रूअल, निर्दयी थी टू हर, उसके साथ में, सिंड्रेला की माँ उसके साथ में कैसी थी, निर्दयी थी, दया नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड किंग्स मैसेंजर कम टू सिंड्रेलास डोर स्टेप, व्हाई का मतलब होता है क्यों, किंग्स मैसेंजर राजा का दूत, राजा का संदेश वाहक कम आया, इसमें पूछा है राजा का दूत है वो क्यों आया टू सिंड्रेलास डोर स्टेप, सिंड्रेला के घर या सिंड्रेला के दरवाजे पर, सिंड्रेला के दरवाजे पर राजा का मैसेंजर क्यों आया वो बताना है। तो हमने देखा ना कि राजा का मैसेंजर आके उनको एक इनविटेशन दिया था, तो इसमें इनविटेशन वाली बात लिखनी है, किंग्स मैसेंजर राजा का दूत केम आया टू सिंड्रेलास डोर स्टेप, सिंड्रेला के दरवाजे पर, सिंड्रेला के दरवाजे पर राजा का दूत आया टू गिव हर, देने के लिए हर, उसको, उसको देने के लिए एक इनविटेशन, एक इनविटेशन, राजा का दूत उसको एक इनविटेशन देने के लिए आया, निमंत्रण देने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई वाज द किंग ऑर्गेनाइजिंग द रॉयल बॉल, व्हाई का मतलब होता है क्यों, वाज था, द किंग ऑर्गेनाइज, राजा ने ऑर्गेनाइजिंग मतलब आयोजन किया, राजा ने आयोजन क्यों किया द रॉयल बॉल, शाही समारोह का, इसमें पूछा है कि राजा ने अपना समारोह, वो समारोह आयोजित किया ना, तो क्यों आयोजित किया था वो शाही समारोह है, तो क्योंकि राजा ऐसे चाहते थे कि उसका जो राजकुमार है ना,
राजा था वो अपने लिए कोई दुल्हन चुने। तो इसमें देखेंगे बिकॉज वाई से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका आंसर बिकॉज से देते हैं। बिकॉज ही वांटेड, वो चाहते थे। बिकॉज ही वांटेड, राजा चाहते थे हिज सन, अपने बेटे से, टू चूज, कि वो चुने ए ब्राइड, एक दुल्हन। राजा क्या चाहते थे अपने बेटे से, कि वो अपने लिए क्या चुने, एक दुल्हन चुने, अपनी वाइफ चुने, इसलिए उन्होंने ये समारोह आयोजित किया था। अब देखो आपको वो पीछे वाला ए वाला क्वेश्चन करना है और ये बी वाले के 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, तो इनको नोटबुक में लिख लेना और पढ़ लेना एक बार कि हाँ सारी स्पेलिंग समझ में आ रही है क्या। नोटबुक में जरूर लिखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे वाले वीडियो